आज मैं आपसे यहाँ पे बात करूँगा कि जो डीजीपे का नया वाला वर्जन आया है उसको कैसे आप इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद ही आप इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर से लेकर इंस्टॉलेशन तक का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस जो डीजीपे वेबसाइट है इस पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे आने के बाद हम इसके होम पेज पे हैं। और उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा देखिए डाउनलोड का एक डीजीपे डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है। इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के ही यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रहा है। देखिए डीजीपे विंडोज़ के लिए, डीजीपे एंड्रॉयड के लिए और डीजीपे एंड्रॉयड एपीके फाइल है। तो हमें यहाँ पे कंप्यूटर में चलाना है तो हम यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ साइड में डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करते हैं ये थोड़ा सा प्रोसेस के बाद ये डाउनलोड होने लगता है। तो मेरे पास ये फाइल ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। और मैं अब आपको डाउनलोड करना सिखा दिया। अब मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ इंस्टॉलेशन करना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है फाइल इसको क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद इसमें चार से पांच ऑप्शन, चार से पांच फाइल यहाँ पे दिया गया है जिसपे आपको यहाँ पे ये एक एफिडेविट है, इसके बारे में मैं बाद में आपसे बात करूंगा। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ये गाइडलाइन है, आप यहाँ से इंस्टॉलेशन का पढ़ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पूरा वीडियो दिखा रहे हैं इंस्टॉल करने का। तो यहाँ पे हम डीजीपे सेटअप जो है इस पे क्लिक करेंगे डबल क्लिक। और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप आएगा जिसको आपको यस करना होगा। यस करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन का जो पूरा सर्विस है ये ओपन हो चुका है। अगर आपके जो आपके पास लैपटॉप है अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन में जो एरर आ रहा है उस एरर को सही करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ उसको जाकर देख लीजिएगा। या फिर मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट के बाद ये देखिए इंस्टॉलेशन के कम्स विथ सिक्स फाइल, ये सिक्स फाइल के साथ ओपन हो रहा है। इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे सिंपल सा, फिर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट ए डेस्कटॉप सॉफ्ट पर इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि मेरे पास एक पहले से ही यहाँ पे पुराना वाला जो डीजीपे है वो यहाँ, वो हमने हटा दिया उसको। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारा डीजीपे लगभग इंस्टॉल हो ही चुका है। बहुत ही तेज है ये, ज़्यादा नहीं है, 64 MB का है ही। तो ये हम यहाँ पे डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे जो लॉन्च डीजीपे है इस पे चेक रहने देंगे और इसको फिनिश करेंगे। जैसे ही फिनिश करेंगे इसको कट कर देंगे। और कट करने के बाद यहाँ पे ये हमसे कुछ अलाउ मांग रहा है तो इसको हम अलाउ एक्सेस दे दें। और एक्सेस देने के बाद ये हमारा जो डीजीपे है न्यू वाला डीजीपे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा डिजाइनिंग किया गया है और बहुत ही स्मूथ दिख रहा है। अब देखते हैं चलाने के बाद क्या होता है। यहाँ पे हम अपना डीजीपे का आईडी डालेंगे। ये हमने यहाँ पे आईडी यहाँ पे अपना इंटर कर लिया है। और उसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद प्रोसेस करेंगे। और प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखा सबसे पहले दिया है प्लीज प्रोवाइड वैलिड सीएससी आईडी, तो ये हम आपको बाद में बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन दे दिया है कि गेट ओटीपी मोबाइल पे और उसके बाद ईमेल पे, या फिर आप दोनों पे ओटीपी ले सकते हैं। तो सिंपल सा स्टार्ट करना है हमें। तो स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे गेट ओटीपी रजिस्टर मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जनरेट कर देंगे। जनरेट करने के बाद हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आएगा और ये हमारे मोबाइल पे मैसेज आ भी चुका है। ये
ये हमने अपना OTP यहाँ पे दर्ज कर दिया है और उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई होने के बाद ये अब हमसे हमारा ऑथेंटिकेशन कराएगा, यानी कि फिंगरप्रिंट हमें रखना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये हमारा आईडी यहाँ पे इनपुट है पहले से ही, इस पर चेक करेंगे और चेक करने के बाद ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं हमारा मार्को जो डिवाइस लगा हुआ है वो वहाँ पे स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर अपना फिंगर स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद ये खुद से क्लोज होने के बाद ये खुद से ओपन होगा और ओपन होने के बाद ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये DGPay का नया जो सर्विस है, नया जो इंटरफेस है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है पहले की अपेक्षा।